में आपने बड़ी कंट्रोवर्शियल एक दो बयान दिए थे hmm. आ, मुझे बताए ये ये जो है है? के लिए कितनी होती है? I had never been a controversial person, hmm. लेकिन आजकल जिस तरह हर चीज की कॉन्ट्रोवर्सी बना दी जाती है ah. तो उसी तरह इसकी भी बना दी गई मतलब लिसन टू द होल थिंग पूरी बात हुई क्या है। ah. बीच में से एक चंक उठाते हैं और उसको लगा देते हैं आपसे मैंने पूछना था कि आपने रिसेंटली एक जगह पे स्टेटमेंट दी थी किसी के पॉडकास्ट में आई थिंक कोई है हाँ कोई हाँ, है उसके पॉडकास्ट में आपने ये स्टेटमेंट कास्ट मैंने देखा <laughs> आपको कैसे पता चला? वो है है उसकी शकल से ही लगता ये ये <laughs> जी सवाल क्या आपका? आपने उनकी पॉडकास्ट में स्टेटमेंट दी थी कि असलम और आयमा बेग को वोकल ट्रेनिंग आपने दी थी मैंने ये तो नहीं कहा कि मैंने उनको गाना सिखाया लोग समझ रहे इनका सवाल जब आ, मेरे से था कि जब आपके स्टूडियो में कोई वोकल करने आता है बिकॉज बोथ ऑफ देम आतिफ़ तो 2004 से रिकॉर्ड कर रहा है मेरे स्टूडियो आ, में ही और अ, मेरे पास कोई 60 इसके रिकॉर्ड हुए okay. आ, और बाकी वो प्रोडक्शन जो मैंने की थी उसके hmm. जो गाने मैंने कंपोज किए थे बिसाइड्स दैट hmm. तो अ, जब वो माइक पे खड़े होते तो बींग प्रोड्यूसर म्यूजिक प्रोड्यूसर एंड अंगर

हम लोग एक ऐसे दौर में आ चुके हैं कि जहां टेक्नोलॉजी ने इन सारी चीजों को टेक ओवर कर लिया डेफिनेटली अभी ए आई को अगर देखा जाए कि देर इज अ सॉफ्टवेयर जो आगे जो आजकल के लोगों के लिए इज बिकमिंग वेरी इजी फॉर पीपल के आप सिर्फ मिडी नोट्स बजाते मतलब सर्टेन नोट्स और देन यू पुट इन योर ओन लिरिक्स कि जो लिरिक्स उस नोट्स पे चाहिए सो आई प्लेड तेरा तेरा ते मेरा ते मैंने उस उसपे नोट्स पुट इन द लिरिक्स और एक गोरी तेरा ते मेरा गा रही थी

वॉज अ टाइम जब इंडिया में पॉप बिल्कुल नहीं कोई सुनता था बिकॉज उनकी जो फोटे है वो फिल्म म्यूजिक था बॉलीवुड था और पाकिस्तान में हम लोग हमेशा से यहाँ पे पॉप म्यूजिक चलता रहे तो अब वहाँ पे इस तरह के सिंगर आ रहे हैं वो कलेबरेट कर रहे हैं बट इफ यू ट्राई टू कलेबरेट विद सम फिल्म इंडस्ट्री की तरफ से उनको वहाँ से फॉरन फोन आ जाता है फिल्म एसोसिएशन की तरफ से कि पाकिस्तानी पाकिस्तानियों के, के साथ बिल्कुल कोलैबोरेट नहीं करना देखिए सर दौर बदल गया है ना एक वक्त था एआर रहमान मेले पीछे भी हाथ धो के पल गया <laughs> मुझे कहता हाथ धो के सलाम कर ले <laughs> <laughs> यार ऐसे क्या <laughs> क्या आपने बेबुदा बात की फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बहुत-बहुत मुबारकबाद हो अपने बेटे की शादी पे थैंक यू सो मच आ कांग्रेचुलेशन थैंक यू या

जिस दिन वो सिंगर बनने की कोशिश करेगा ऑडियंस में एक बंदा भी नहीं होगा भाई बात बिल्कुल दुरुस्त है एंटरटेनर है एंटरटेनर के तौर पे ही उनको ट्रीट करें मगर अब वक्त होता है माइंड द न्यूज का लो जी बात जी आज की ताज़ा तरीन खबरें मेरे साथ साथ देंगी पाकिस्तान की खूबसूरत बेबी अलमलूफ के भी म्यूजिक <laughs> लवर्स के लिए धमाकेदार न्यूज चाहत फतेह अली खान ने अपना न्यू सॉन्ग तिन अच्छा चाहत भाई जितना तुम्हारा याद रखना <laughs> अब मैं सोचती हूँ कि कितना अच्छा इंसान था उसने हमें माफ़ कर दिया है दो सॉन्ग्स हाँ हाँ के बाद ही हमें पलापल जलील करके छोलेगा चाहत खुदा के लिए अगर कोई चाहत जाए तो छोड़ दे यार हमारी जान <laughs> बातें तो आप बड़ी कह रहे हैं जब सॉन्ग आएगा तो आप भी सुनेंगे हाँ वो तो मैंने वो भी सुना था बदोबद्दी बदोबद्दी <laughs> एक दोस्त ने मुझे बदोबद्दी सुना दिया था <laughs> अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं अदा काला हिब्बा बुखारी ने इनकसाफ किया है कि वो हल इबादत के बाद अपने मोबाइल फ़ोन पे फूके मारती हैं कि कहीं ये चोली ना हो जाए हिब्बा जी एक दो फूके हमारे कौमी खजाने पर भी मार दें शायद कोई फ़ायदा हो जाए चलो हिब्बा जी कौमी खजाना तो बहुत भली बात है आप बिजली की तालों पर दो चार फूँके मार दें कम से कम बिजली चोली हो ना तो बंद हो जाए। <laughs> उनको ऐसे मल चलाने का इंजाम आपको पता है ना क्या हुआ था? बस मुटियाले यहीं पे लुक जा। इससे आगे मिले पाल जलते हैं। <laughs> नाची सिन्हा ने अपनी शादी पे 44 इयर्स पुरानी अपनी बाल्दा की साड़ी पहन के सबको हैरान कर दिया है। बाकी सब तो हैलान हो गए थे लेकिन वो दुला परेशान हो गया था कहीं गरीब घर की लड़की से तो नहीं शादी करना <laughs> ये तो बहुत अच्छा तासर है ये तो टू इन हो गया ना एक तो बचत भी हो गई और माँ से मोहब्बत का इजहार भी हाँ लेकिन ये जो बचत वाला आंसर है ना ये मुझे ज्यादा सॉलिड लग रहा है हाँ <laughs> मुझे भी अदा खाला शाजिया मंजूर ने कहा है कि शादी की तमन्ना अभी खत्म नहीं हुई कोई अच्छा शख्स मिल गया तो जुलूल शादी कर लूंगी ये तो बहुत अच्छी बात है हम उनके लिए दुआ बेनोई में जो कमी पेशी होगी आप सुर ठीक के उनको भी सीधा कर लीजिए <laughs> मैंने इनके प्रैंक्स देखे हैं अच्छा में बहुत सख्ती करती होए। हो लेकिन जब गुस्सा करती होंगे फिर क्या करती होंगी मेरा ख्याल है ही मालती होंगी प्रियंका <laughs> चोपड़ा अपनी फिल्म की शूटिंग के दौरान उनकी शादी हुई है ना तो उनकी कोई है ऊपर से आए दिन उनको भी लगती रहती हैं तो हॉलीवुड में काम करेंगी लेकिन इनका तो करियर हॉलीवुड में भी खत्म हो गया हॉली हॉलीवुड होली है वो चले जी अगली खबर की तरफ बोलते हैं ये वो खबल है जो पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में तहल खेज खबल होगी कौन सी बाल्टी मीडिया ने यह दावा किया है कि सानिया मिल्जा अपनी दूसरी शादी करेंगी क्लिकल मोहम्मद शामी के साथ ये तो बहुत अच्छी बात है उनको पूरा हक है अपनी लाइफ अपनी मर्जी से गुजारने बिल्कुल और आपकी पुपो ने भी तो नौ शादियाँ की थी <laughs> वो तो हजरात उनकी औलाद नहीं हो रही थी इसलिए नौ शादियाँ की फिर नौवीं शादी की तो ये हुई थी <laughs> सानिया जी एक बात करनी आपसे आप ज़रूर शादी करें खुश रहें लेकिन ये बात समझनी है कि क्रिकेटर से ही क्यों वो इसलिए कि पहले वाले क्रिकेटर को साड़ा भी तो डालना है ना <laughs>